अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने पूर्व राष्ट्रपति के आलीशान पॉम हाउस और रिजॉर्ट मार-ए-लागो पर सोमवार देर रात छापा मारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI के कई एजेंट्स ने ट्रंप के घर को घेर लिया है और उनकी तलाशी ली जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस रेड की पुष्टि की है। उधर ट्रंप का कहना है कि वे मुझे चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि फ्लोरिडा में मेरे पॉम बीच स्थित खूबसूरत घर मार-ए-लागो को FBI ने कब्जे में ले लिया है, यहाँ की तलाशी ली जा रही है, यहाँ FBI के एजेंट्स मौजूद हैं। मीडिया ने जब FBI के प्रवक्ता से इस बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के बावजूद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये न्याय तंत्र का हथियार के तौर पर गलत इस्तेमाल करने जैसा है। ये कट्टर लेफ्ट डेमोक्रेट्स का हमला है। वे नहीं चाहते हैं कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूं। इस मामले में ट्रंप के दो करीबियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा कि ये रेड बिना किसी नोटिस के की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त FBI एजेंट्स ने मार-ए-लागो पर छापा मारा उस वक्त खुद ट्रंप वहां नहीं थे। बताया जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल न्यूजर्सी में हैं। यहां वो एक केस के सिलसिले में गए हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी की हिंसा के मामले में जांच कर रही एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि FBI को उनके खिलाफ जांच तेज करनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने जब पिछले साल व्हाइट हाउस छोड़ा था तब वो कई डेमोक्रेट्स अपने साथ ले गए थे। हालांकि अब तक इस आरोप की FBI की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि कई बड़े बॉक्स में ये दस्तावेज मार-ए-लागो ले जाए गए थे। इसके बाद से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ट्रंप और उनके करीबियों पर नजर रखती थी। ये छापेमारी भी इन्हीं से जोड़कर देखी जा रही है। कुछ महीने पहले ट्रंप पर आरोप लगा था कि वे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आधिकारिक दस्तावेजों को फाड़कर फ्लश कर देते थे। ट्रंप ने इतने ज्यादा कागजों को फ्लश किया है इसकी वजह से व्हाइट हाउस का टॉयलेट ही जाम हो गया है। नेशनल आर्काइव चाहता है कि पूर्व राष्ट्रपति की दूसरे मामलों के साथ कागज फाड़ने की आदत की भी जाँच की जाए। बता दें कि ट्रंप ने कई मौकों पर साफ किया है कि वो एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। खास बात यह है कि उनके रिपब्लिकन पार्टी में उनके चैलेंज करने वाला उनके कद का कोई दूसरा नेता भी नहीं है। हालांकि पिछले साल 6 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वो महाभियोग का सामना भी कर चुके हैं। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।